मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का असर पीसीएस अधिकारियों से लेकर जिले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों पर दिख रहा है। इसी के तहत मुरादनगर की घटना में भी आर्थिक अनुसंधान शाखा की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर पौने तीन साल में योगी सरकार ने 2100 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की है बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजा है। प्रदेश में साल 2017 से 2019 तक अभियोजन विभाग ने 1648 भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ न्यायालयों में पैरवी कर कार्रवाई कराई है। ट्रैप के 42.85% मामलों में सजा भी दिलाई है। 2017 के शुरुआत में 500 से भी ज्यादा वाद लंबित थे जबकि 2017 में रंगे हाथ घूस लेते 38, नॉन ट्रैप में 14 और 5 अन्य अफसरों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही वर्ष 2018 में घूस लेते हुए रंगे हाथ 390 और नॉन ट्रैप में 130 अफसरों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। नियुक्त विभाग ने 1 अप्रैल 2017 से अब तक 50 पीसीएस अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक और 44 पीसीएस अफसरों पर लघु दंडात्मक कार्रवाई की है। पुलिस विभाग ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर पिछले 2 सालों में उन 2019 और 2020 में 400 से भी ज्यादा दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जिसमें 45 मामलों में मुकदमे किए गए और 3 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया। इसके अलावा 68 पुलिस कर्मियों को परिनिंदा प्रविष्टि आदि से दंडित भी किया गया। वहीं योगी सरकार में लोगों से दुर्व्यवहार करने पर भी कार्रवाई की गई है। पिछले 2 सालों में 400 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई इसमें 14 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 2 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा 106 पुलिस कर्मियों को परिनिंदा प्रविष्टि आदि दंड से दंडित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नमामि भारत।